हैप्पी एनिवर्सरी 37 इयर्स माशाल्लाह। दसो यार कहाँ जाना हरी अब? कश्मीर चलो, कश्मीर छोड़ो यार, सवाद चलने भाई, सब छोड़ो, मौसम भी प्यारा, रास्ता भी जैसा है, कर दू चलते आराम से। अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरे तो बच्चे, मेरी तो जिंदगी गुजर गई। भाई देखो, जो कल सीन हुआ ना, उसके बाद मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि आपको कोई इजाजत वगैरह मिलनी है। शिट शिट शिट, सलमान मनु मार, मनु मार, मार मनु, जोर जोर दी मनु मार। ओए ती कन्फर्म करो ना यार, रात के भाईजान 2:30 बज रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। सिचुएशन कैसी भी हो, व्लॉग का स्टार्ट जो है वो एनर्जेटिक होना चाहिए। ये मैंने कल वाले व्लॉग से सीख लिया। आप लोगों के काफी कमेंट्स आए थे कि रज्जा भाई आपको देख के तो हम एनर्जी पकड़ते हैं, आपको देख के तो हम मोटिवेट होते हैं, हम खुश होते हैं। काइंडली व्लॉग का स्टार्ट जो है वो एनर्जेटिक ही रखा करें। तो आपको पता है कल वाले व्लॉग में हमें इजाजत नहीं मिली, जबकि मैंने सरदार रहमान अली डोगर साहब को भी सामने बिठा दिया, लाके हैदर शाह बिठा दिया, सैयद शहबाज बुखारी बिठा दिया, लेकिन मेरी माँ ने इजाजत नहीं दी थी। लाखों मेरी माँ ने इजाजत नहीं दी थी जालमो लोगो। सेम इस जगह पे बैठ के हमने कल वाला व्लॉग एंड किया था। अगर आपने कल वाला व्लॉग नहीं देखा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जाके पहले कल वाला व्लॉग देख लो। हमने उसमें ट्रिप की इजाजत अम्मा से मांगी थी कि हम लोग ट्रिप पे जाना चाह रहे हैं 7-8 दिन के लिए या 3-4 दिन के लिए, वो बाद में देखेंगे। कहां जा रहे हैं ये हमें नहीं पता, हम रोड पे चढ़ेंगे, मोटरवे टच करेंगे, तो फिर हम सब दोस्त मिलके डिसाइड करेंगे कि जाना कहां पर है। खैर हमें इजाजत नहीं मिली, कोरा इंकार हो गया था। बट साहब बैठे हुए सामने काफी परेशान लग रहे हैं, देख रहे हो, जिंदगी से परेशान, उदास, डाउन डाउन। बट साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है? ठीक ठाक है। अच्छा आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर कल वाला व्लॉग नहीं देखा हुआ तो जाके पहले देख लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मुझे ये बताओ तबीयत कैसी है। मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे अंकल, मेरी आंटियां, मेरे भांजे, मेरे भतीजे, सब खैर खैरियत से? अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, आपके रजब को अपनी रजब फैमिली बहुत अजीज है। बट साहब एक परेशानी है, आपको पता कल क्या हुआ? क्या हुआ? ठीक है, मेरी इज्जत का फलूदा हो गया, उसके अंदर मदानी मारी गई। क्यों? उसको कच्ची लस्सी की तरह बनाया गया। क्यों? आपकी बेगम ने बनाया। क्यों? आपको पता क्यों? क्यों? आपको नहीं पता? बताओ ना। आपको पता है कि हमने जाना था सोलो ट्रिप पे। अच्छा। मैंने इजाजत मांगी, हैदर का फोन आ रहा भाई। सलाम अलैकुम, व्लॉग बना रहा हूँ, कोई फजूल बात ना करना, कोई फजूल बात ना करना, व्लॉग बना रहा हूँ। हेलो, व्लॉग बना रहा हूँ, कोई फजूल बात ना कर देना। अच्छा बोलो। चलो व्लॉग बना लो, 5 मिनट तक करना फोन, 5 मिनट तक। ओके ओके, मतलब कि फजूल बात थी। अच्छा आपको पता है कि मेरे दोस्त, मेरे मोहज़्ज़ज़ दोस्त घर आए थे, हमने कितने तरीके से, कितनी तमीज और तमद्दुन से आपकी बेगम से इजाजत मांगी, उन्होंने नहीं दी, मुंह पे इंकार कर दिया। अच्छा। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरे तो बच्चे, मेरी तो जिंदगी गुजर गई। कैसे जाओ? निबलना, किस तरह जाओ? पापा जी फिर मैं कह रहा हूँ आपको, आप ज्यादा दे रहे हो, पक्की बात है। अच्छा वैसे हमारे इरादे भी कुछ इस तरह के ही हैं जो आपको आगे जाके पता लगेंगे, लेकिन आप व्हाट्सएप हमारे साथ हैं तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, मेरी बात सुनो, जिंदगी लंघी है जी। मम्मा नहीं दांगा फिलहाल, तो मैं निकल जाऊंगा। मम्मा गई है कुरान खानी पे। ठीक है, मम्मा कुरान खानी पे गई है सामने वाले घर ना, आपको नहीं पता, आप जिम से आके बाहर बैठे हुए उत्थे गए सामने कुरान खानी से गए ने। ठीक है, तो ऐसा है कि मैंने अपनी पैकिंग चैकिंग करवा ली है, जा तो हम रहे हैं भाईजान। अभी मैंने किसी दोस्त को नहीं बताया सिवाय हैदर के, शैजी को बताना है, मान डोगर को बताना है, और गाड़ी एक बड़ी अरेंज करनी है, क्योंकि सिर्फ मेरे पास गाड़ी है, बकाया सबके पास गाड़ी है लेकिन कोई लेके नहीं जा सकता, सो अपने अपने मसले मसाइल हैं सबके। ठीक है, तो गाड़ी मेरी पे नहीं जा सकते सारे, उसके अंदर सामान आएगा कि हम आएंगे। ठीक है, ऐसा है कि उनको फोन करते हैं, सरदार रहमान अली डोगर को फोन करते हैं, शहबाज बुखारी को फोन करते हैं कि रेडी रहो, हम आज ही जाएंगे, वापस आके देखा जाएगा, फिर एट द एंड की हो सकता है, मार ही पवेगी ना, खा लेंगे। यार आपने ये क्या बात किया कि मेरी जिंदगी लंघ गई है? नहीं नहीं, सही दसो, सही दसो, इधर देखो, मेरी माँ के बारे में फजूल गल नहीं करनी, मैं नहीं सुनांगा, फालतू गल नहीं कर रहे। हाँ जी मैं निकल जाऊंगा जी, निकल मैं जाऊंगा, जब आऊंगा तो फिर देखी जाएगी, जो होगी जो होती है वो देखी तो नहीं जाती, खैर कोई गल नहीं। मैं मिलना ही नहीं, मैं मिला उन्हें, जाने नहीं जाना, देखे ना खिला रहा सामने, उन्हें कहना लच फैर मारे, जान नहीं देना, जाऊंगा तो सही भाई जान मैं, और देखते हैं क्या प्लान बनता। बिस्मिल्लाह मेरे दोस्तों, क्या है तबीयत से? ठीक है ना, कैसी हो? खुशियां ही बढ़िया ने, खुशियां ही बढ़िया ने, खुशियां ही बढ़िया ने।
जैसी खुशी मुझे स्कूल के अंदर बंक मारने की होती है ना, वैसी ही खुशी मुझे आज हो रही है। 10 अक्टूबर रात को 10 बजे बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। आए आज फरार से बेटा, जेडी भी है आज बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। अच्छा जी ये देखे, ये रहा मेरा बैग जो मैंने रेडी किया हुआ। अम्मा कब आएंगी वापस? हाँ चल तूने किया। अम्मा कब आएंगी? हैं क्यों ख्वाब देख रहे हो? ख्वाब नहीं देख रहा, निकलते मैं जाऊंगा, बल्लू फरार हो जाएगा, टेंशन ना ले। अम्मा कब आएंगी? अम्मा कोई 2-2.5 घंटे तक आ जाएंगी। 2-2.5 घंटे तक आ जाएंगी? 2-2.5 घंटे गए हुए हो गए भाई, 1.5 घंटे तक आ जाएंगी। तस्वीर ये होता है मजल से। अच्छा जी 1.5 घंटे तक अम्मा आ जाएंगी, इसका मतलब है कि हमें अम्मा को एक बार फेस करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि आज जो इतिहास के अंदर जंग होने वाली है ना, जो मैं निकल जाऊंगा आज बताए बगैर ही, नहीं निकल तो जाऊंगा। अच्छा निकल तो जाऊंगा, वापसी फिर मुस्कान है, वापसी नहीं बचते फिर। खैर कोई गल नहीं, मतलब मेरी माँ गोली तो नहीं ना मारेगी, तो पेड़ा मार लेगी है मुर्गा। ठीक है फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या कर ली मौजा। अच्छा जी अब सीन ऐसे है कि अम्मा के साथ हमारा एक बार आमना सामना होगा, क्योंकि मैंने निकलना है 6 बजे, ठीक है, और अम्मा ने आ जाना और 1.5 घंटे तक, तो एक बार फिर से मिलूंगा तुम लोगों की फरमाइश पे, ठीक है, सिर्फ तुम लोगों की फरमाइश पे मैं एक बार अम्मा से फिर बात कर लूंगा, प्यार से इजाजत एक बार फिर ले लूंगा, जाओ ठीक है, राजी बाजी हो। और अगर तब भी इजाजत ना मिली फिर 10 तारीख को रात के 10 बजे बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। अच्छा जी मेरी बात सुनो, फोन तो छोटा छोटा फोन की तरह, ये रहा जी अपना छोटा फोन, हम शहजी को और सरदार रहमान अली डोगर साहब को फोन कर लेते हैं। सरदार रहमान अली डोगर तारी खिदमत हाजिर है। माँ जी तो मैं कर रहा डोगर थे। अच्छा जी सॉरी, फोन कर लेते हैं उनको, बता देते हैं कि प्लान डन है, उनको 3-4 घंटे पीछे रह गए हैं, वही ना हो कि दोनों कहीं इधर उधर निकल जाएं। अरे ओके जी, तो कॉल जा रही है शहजी भाई को, अल्लाह करे उठा ले सही, मैरिड आदमी है पॉसिबल है लेट ही उठे। शहजी भाई फोन चुको जी, फोन चुको। शहजी भाई ये शहजी की आज से 2-2.5 साल पहले की तस्वीर है। क्या हाल है? ठीक हूँ, क्या हाल होने हैं? किधर हो? घर पे हूँ अभी तो। क्या कर रहे हो? बस मैं वो जाने लगा था जरा वो बहन के घर। किथे जान लगा सी? बहन दे घर जान लगा सी। किथे नहीं जाना बेटा, किथे नहीं जाना? हुण की यार बेटा पैकिंग शैकिंग डन करो, मेरी बात सुनो, पैकिंग शैकिंग डन करो, ठीक है, मैंने अम्मा से एक बार और इजाजत लेनी है, जब अम्मा आएंगी, अभी वो तस्वीर पे गई हुई है, ठीक है, इजाजत मिल गई बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बारात जो है वो बड़ी अच्छे से निकाह निकू हो के बारात जाएगी, मैं कह रहा हूँ फिर बात बहुत अच्छी हो जाएगी, निकाह जो है वो ढोल मक्के से होगा, फिर रुखसती बड़े ना ढोल मक्के से होगी, अगर इजाजत ना मिली तो हमें भागना पड़ेगा, निकल हम जाएंगे 6 बजे हमने निकल जाना। भाई देखो जो कल सीन हुआ ना उसके बाद मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि आपको कोई इजाजत वगैरह मिलनी है। चलो मैं एक कोशिश और कर लूंगा, मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, ना मिली तब भी हम निकल जाएंगे, हमने निकलना दोनों सूरतों में है, 6 बजे जो है ना हमारी फ्लाइट यहाँ से टेक ऑफ कर जाएगी अपनी खुद की गाड़ी पे, ठीक है ना? लेकिन टेक ऑफ तो वो हो जाएगी, लेकिन जब आप वापिस आओगे तो फिर वो फ्लाइट जो है ना वो प्लेन क्रैश हो जाएगा बेटा। यार मेरी गल सुनो, ताडा मसला नहीं है यार, मैं मार ही पवेगी ना, मैं खा लांगा अंदर नहीं ना पैनी, तुम तो भी सके जा दो, तुम तो भी सके जा दो, तो अंदर ही ना पैनी, मैं खा लांगा, मार टेंशन ना लगो, तुम रेडी रहो बस। चलो ठीक है, मैं नहीं चाह रहा कि मेरी वजह से तुम सबका प्लान खराब हो, तुम कराची से आए हो, ठीक है, फिर उसके बाद हैदर ने अपनी क्लासेस छोड़ी हैं, सरदार रहमान अली डोगर साहब अपने कबूतरों को छोड़ के आ रहे हैं, समझ रहे बात को, तो मैं नहीं चाह रहा कि मेरी वजह से तुम सबका प्लान खराब हो, तुम सब रेडी रहो, मैं गाड़ी का अरेंज कर रहा हूँ बड़ी का, क्योंकि हमारी गाड़ी में मेरी गाड़ी छोटी है, एमजी गाड़ी है छोटी है, इन सबका सामान, फिर चारों के चारों हम लोग पूरे नहीं आएंगे, ठीक है, हमें गाड़ी जो है वो बड़ी अरेंज करनी पड़ेगी, ठीक है, मैं सब कुछ रेडी करता हूँ, तुम लोग रेडी रहो बस, ओके ओके, 6 बजे का रेडी रखो, अल्लाह हाफिज़। मान डोगर को भी करना फोन, ओके ओके। सरदार रहमान अली डोगर साहब फोन चुको जी, कॉलिंग मान डोगी, ओए नहीं नहीं वो मेरा दोस्त है, मैं उसको प्यार से डोगी डोगी कहता हूँ, वैसे वो मान डोगर है, सरदार रहमान डोगर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो की हाल है? वालेकुम सलाम, ठीक आप सुनाओ? शुक्र अल्लाह का, की होया, मर गया? किस तरह बोल रहे हो, की कर रहे हो? भाई दोपहर दे 2:30 बजे पहले तोल तकर सोता है, मौज तेरी यार, मेरी गल सुन, मेरी गल सुन, 6 बजे रेडी रहवीं, ठीक है, घरों पिक करांगा तेनू, की खैर है, जाना नहीं, जो प्लान होया सी, जो प्लान होया सी अपना कल वाला, रेडी रवी, चां चू ना कर भाई, मां जी को मैं इजाजत ले लीए तो उन्होंने इजाजत नहीं दी, ठीक है, असि हम बगैर दसे ही जावांगे, वापसी जदों आवांगे फिर देखी जाएगी, कोई गल नहीं, खैर
ਚੱਲ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਕਿਨ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗਏ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਰਹੋ 6 ਵਜੇ ਪਿਕ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਓਕੇ ਰੈਡੀ ਰਮੀ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਾਏ ਬਾਏ लो जी सरदार रहमान अली डोगर साहब भी हो गए और उसके बाद शहबाज बुखारी भी हो गया और हैदर को हर चीज का पता ही है ठीक है। ओए अच्छा जी अभी सीन ऐसे है कि मैंने कल वाला ड्रेस सेम इसलिए पहना हुआ बारिश हो गई ओए बारिश हो गई बारिश हो गई स्टार्ट बारिश हो गई बारिश हो गई बारिश जबरदस्त। कल वाला ड्रेस मैंने इसलिए पहना हुआ है क्योंकि कल वाला ब्लॉग हमारा टू बी कंटिन्यूड था ना तो आज वो सारी कंटिन्यूटी आपको बताई जाएगी। अभी ऐसे करते हैं कि भागते हैं जाते खत करवा के आते हैं और दो तीन घंटे पीछे रह गए आगे सिर्फ अम्मा से मिलना है जरूरत नहीं है एक बार अगर दे दी तो वेल एंड गुड नहीं दी तो बल्लू तुम्हारी जेब से फरार खत करवाते हैं पहले। चलो जी बिस्मिल्लाह गाड़ी का हाल चेक करो भाई गाड़ी भी वॉश करवानी पड़ेगी इस तरह जाने वाली गाड़ी नहीं है अंदर से देखो आये हाय 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 क्या बात है चलो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा जी घर से निकल चुके हैं अब हमें हैं दो काम पहला काम खत करवाना है खत करवाने के बाद हमने गाड़ी चेंज करनी है इस गाड़ी पे हम जहां भी हमें जाना हुआ नॉर्थ वाली साइड पे वो तो सारे दोस्त मिलकर डिसाइड करेंगे हम नहीं जा पाएंगे चार हम दोस्त हैं पांचवा तो अपनी बेगम के साथ पहुंचा हुआ है आप सबको पता ही है और उसके अलावा सामान भी साथ है तो बहुत तंग हो जाएंगे हमें चाहिए 7 सीटर गाड़ी जैसा कि फॉर्चूनर जैसा कि टीजेड जैसा कि कोई भी प्राटो शराटो ठीक है दोस्तों से की करना पैंता उनके से को मंगनी पैनी गड्डी मनु 7 सीटर। आए माय स्वीट एंड स्मार्ट फ्रेंड क्या हाल है आया 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 पुत्र खतरों के खिलाड़ी अल्लाह खैर करेगा आजा पक्का है ना। ओए एक बार जो मैंने कह दिया ना उसके बाद हम मम्मा के अलावा किसी की नहीं सुनता बिस्मिल्लाह अल्लाह खैर करेगा आज अम्मा दी भी नहीं मैं सुननी आज मैं जाके रोवांगा चलो जी। ओए राम नाल राम नाल अच्छा शायद मेरी बात सुनो गाड़ी मैंने अरेंज कर लिया प्राडो है ठीक है आपने जाना है आजम मार्केट ठीक है नंबर मैंने आपको शेयर कर दिया एक भाई है बड़े प्यार वाले उनसे प्राडो ले आओ ये उनको दे आओ ठीक है मैं यहाँ पर ही हूँ अगर तुम लेट हो गए मैं बाइक शाइक पे बैठ के या उबर करवा के घर चला जाऊंगा प्राडो लेके मुझे फोन करो ठीक है ओके अल्लाह हाफिज़। चलो जी चलो चलो जल्दी आ टाइम नहीं आया मेरे को छेती आ खत कर मिनट ला मिनट पांच मिनट नहीं है मेरे पास पांच मिनट की बुक पता कितनी होती है जल्दी आ हरियाणा खत करनी लेकिन ज्यादा हल्का नहीं करना आपने क्योंकि आगे शुक्र लाल अल्हम्दुलिल्लाह टिंड करवानी है फिर टिंड करवानी भाई उम्रे पे नहीं जाना अच्छा हाँ जी आई एम वेरी एक्साइटेड ज्यादा हल्का ना करना क्योंकि जब टिंड करवानी है तो खत भारी होगा तो शक्ल काबले बर्दाश्त लगेगी अदरवाइज मैं बहुत कोझा लगूंगा ठीक है तो खत कर दो ज्यादा हल्का ना करना उसमें जाना ठीक है ओके बट साहब थैंक यू होती मुलाकात आपसे अस्सलाम वालेकुम जी क्या हाल है। मैंने अपने दोस्त को बुला लिया क्योंकि शेजी को आने में अभी टाइम लगेगा और ये यूनिवर्सिटी से वापस जा रहा था भाईजान रेडी हो वापसी के लिए भी रेडी हो जाने के लिए तो रेडी हो वापसी के लिए रेडी हो बस सरप्राइज राइड करेगा वापसी के लिए रेडी हो अच्छा कैसे आया उबर पे बाइक पे गाड़ी बाइक पे आया दोबारा करा फिर उबर दोबारा उबर करवाते हैं हैदर घर छोड़ेंगे उसके बाद मैं अपने घर जाऊंगा जाके घर वाला सारा साफ देखते हैं अम्मा को मिलते हैं और आधे पौने घंटे के अंदर अंदर हमें निकलना ये आ गई जी हमारी उबर बिस्मिल्लाह ओके जान तेरा स्टॉप आ गया मैक्सिमम एक घंटे में आ रहा हूँ तेरे पास ठीक है रेडी रहे ओके मैं भेज रहा हूँ भाई पैसे बिस्मिल्लाह यार अम्मा किधर है अम्मा आई नहीं बस 10-15 मिनट तक आ रही है नहीं हले मौजा मेरी गर्लफ्रेंड मैंने फसाना है तो साइड से कर उन्होंने आंदे ही देखना है बैग क्यों पे थे तू बड़ी बड़ी फिल्म बेटा जान के मैंने फसाना चाह रहा है तू अच्छा जी अब सीन ऐसे है कि अम्मा भी नहीं आई अम्मा से हमने मिलकर ही जाना है अम्मा से एक बार टाकरा करके जाना मेरे कपड़े सीखिए कपड़े प्रेस हो चुके हैं शावर ले लेते हैं कपड़े चेंज करते हैं उसके बाद अम्मा से एक बार मिलेंगे इजाजत लेंगे मिल गए तो ठीक ना मिली तो चुप करके जिम तक आकर निकल जाना फिर वापस नहीं आना आपसे मिलते हैं शावर लेके A few moments later. Shit. यार सलमान मनु मार मनु जोर जोर दी मनु मार ओए बदला ले रहा था पूरे यार मैं तेरे को कभी मारे ही नहीं तू पता ओरिजिनल वाला जरा प्लान किया था बदला ले रहा है ना हां बिल्कुल अब वजह पूछ क्यों मारा मुझे क्यों मारा आज मम्मा और बाबा की एनिवर्सरी है ओए ऐ मेरा खोता दिमाग हो गया ऐ मेरी लाइफ हो गई है मैं आज तक जिंदगी में अपनी माँ और अपने बाप की एनिवर्सरी नहीं भूला और मुझे आज अपने माँ और बाप की एनिवर्सरी याद नहीं है और मार मुझे राम ना मार तेरी है अदरा मेरी गाल सुन अदरा दस्ती कान कर ठीक है ओके दस्ती लेके आ मैं शावर लेके आया सॉरी यार कसम खुदा की सॉरी मेरी लाइफ जिस तरह की हो गई है ना इधर मिल वो वाला काम ये वाला काम ब्लॉग फंस गया ये हो गया वो हो गया और ये जो मैंने अपने गले पे अब डाला हुआ है मैंने जाना है सारे के सारे दोस्तों ने वेट किया और सारी ईद वेट किया है कि रजब वेला होगा तो फिर ईद के बाद उसके साथ जाएंगे ठीक है मैं उनको भी डिश नहीं करवा सकता था लेकिन ये कि सेलिब्रेट किए बगैर मैं नहीं जाऊँगा ऐसे मैं नहीं जा सकता कहा इसको आप लोगों से मिलता हूँ शावर लेके तब तक मम्मा भी आ जाएंगे
ओके जी, शावर ले लिया, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, ठीक है अब शोर ना कर बेटे, नमाज पढ़ने हम लोग। अच्छा मम्मा जी, आप आ ही गए हो, सुबह से गए हुए तो आते ही मेरे ऊपर आपने धावा बोल दिया, क्या हाल है, तबीयत से ठीक है, हैं राधी बाधी हो, की हाल है सरकार, ठीक हो, आई लव यू, तबीयत ठीक है मम्मा जी, थोड़ा सा टाइम आपके पास होगा, आपसे जरा हमने 5 मिनट लेने हैं, है टाइम आपके पास, क्योंकि आप सुबह से गए अब घर आ रहे हो ना, मैं पूछ लूं पहले, ठीक है ओके। अस्सलाम वालेकुम बॉयज, Here is my boys. Where is my boys? Come. दरवाजा आराम से बंद करना। Happy anniversary जानम। अच्छा एक चीज clear कर दूं कि ये सिर्फ मैं हुज्जत तमाम कर रहा हूँ, ठीक है, प्रॉपर एनिवर्सरी आके करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं ऐसी कोई चीज मिस नहीं करता, ठीक है। अच्छा मेरे पीछे पीछे आ जाओ। मामा जी पापा जी इधर मुँह करें, दोनों इधर मुँह करें। हैप्पी एनिवर्सरी, क्या हो गया, क्या हो गया यार, अभी तो सिर्फ देखो मतलब ना 7 बजे हैं, अभी तो सिर्फ 7 बजे हैं, 5 घंटे पड़े हैं, 15 गुजर रहे हैं। मम्मा सॉरी सॉरी मम्मा सॉरी, आपको याद था, इनको याद था, गजल को याद था, मैं मदद करता, मैं भूल गया, याद मुझे भी आ गया लेकिन लेट आया। ये 15 अप्रैल मेरे आप लोग जब बहुत छोड़ थे ना, इतनी स्कूल गोइंग थी ना, जब अपनी बात कर, जब स्कूल गोइंग थी, आप दोनों बैठ गए, आप लोग तब भी कभी नहीं भूलती, इतनी इतनी पेस्ट्री लेके आते थे इस तरह के, और ये मेरे लिए छोटे छोटे बूंदे नेकलेस लेके आता था, चूड़ियां भी आना मेरा, चूड़ियां दोनों बहन भाई मेरा गिफ्ट लेके आते दोनों, इन्होंने क्या करना, मम्मा उधर नमाज पढ़ो, उधर नमाज पढ़ो, दूसरे कमरे मुझे भेज देना, करना मुझे समझ आ रही कुछ कर रहे, दोनों ने भागे फिरना, दोनों बहन भाइयों ने पेस्ट्रियां लानी प्लेट में रखनी, गिफ्ट रखना दोनों ने, फिर इन्होंने हम दोनों की ये वेडिंग एनिवर्सरी करनी, कभी नहीं जिंदगी में नहीं भूला, फर्स्ट टाइम बोला जी, और बहन नहीं, देख लो आपको पता ही है मेरे दिमाग का हाल क्या हुआ, नहीं, नहीं, मेरा दिमाग थोड़ी रह गया, मशीन हो गई है, लेकिन मुझे याद आ गया, लेट आया, ठीक है, और मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ विद इन 3 to 4 days आपकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट होगी, क्योंकि आप तो मौके पे याद आया ना, मैंने कोई इंतजाम किया ही नहीं हुआ, जबरदस्त इंतजाम होगा, बेहतरीन किस्म का, ठाठा कर भाई, ठीक है, आज तक नहीं भूला, मेरे बच्चे स्कूल गोइंग थे और मेरी वेडिंग, जरा टाइम दें अपने मुबारक हाथों से, दोनों हाथ पकड़ के आपस में केक कट कर दें, जरा मेहरबानी आपकी, भट साहब आए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद, एक मिनट बंदे को भी आने दो, आपके अकेले की एनिवर्सरी है, हाँ जी आओ भट साहब, हाथ पकड़ लो आराम से। अच्छा मामा जी मुझे बताएं कितने साल हो गए हैं आप दोनों को एक दूसरे को बर्दाश्त करते हुए, हमारी शादी हुई 88 में, 15 अप्रैल 88 90 2000 माशाल्लाह 37 years, हैप्पी एनिवर्सरी 37 years माशाल्लाह, और ये 37 years से 37,000 years भी हों और हमारे सर पे आप सलामत रहें, हर जिंदगी में जब भी जिंदगी मिले माँ और बाप आप जैसे ही हो, आपकी मेहरबानी शुक्रिया ताबेदार, ऊपर कभी अगर पूछा जाए तो कह देना कि रजब ही चाहिए, गजल ही चाहिए, ठीक है, और खा लो सारे जहान का मीठा खा गए हो, अब जो है आपको एनिवर्सरी का केक खिला रही बुड्ढी, तो आपको शुक्र का याद आ गई है, थैंक यू, लंबी उम्र करे आप और आपकी बेगम भी इसी तरह लंबी उम्र कट्ठे गुजारो, मुझे यहां पे डाइट पे है, मुझे भी आए 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 बुड्ढी का लाओ आए 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 आए, क्या बात वैस नहीं खाता, केक नजर ही नहीं आता, वैस जब खाता ना, अच्छा मैं केक नजर आता था ना वैस नजर आता, नहीं भैया मोए मैं एक तुम्हें दुआ देना चाहती हूँ, अल्लाह पंतन पाक के सदके में, मेरा पाक परवरदिगार अपने हबीब के सदके में, उसकी आल के सदके में, तुम्हारी और गजल की जोड़ी भी इसी तरह हमेशा कायम और दायम रखे, गजल की जोड़ी आपकी जोड़ी ईमान के साथ, अच्छा ओके ओके ओके, आप लोगों की जोड़ियां मौला सलामत रखे, दिन दोगी रात चौगी सलामती, शुक्रिया अरे तेरा, आपकी सारी मन की मुरादे आप दोनों जोड़ियों सबकी सारे जोड़ों, मैं आप लोगों को सबको ऐसे ही खुश देखूं जैसे तेरे पापा मैं खुश रहे, आप लोग भी ऐसे ही जिंदगी, और हमेशा दूसरों का ख्याल रख के अपने आप को लेके चलो। अच्छा देखो मैंने आपकी एनिवर्सरी की है ना, है ना, अभी आपका मूड अच्छा है ना, मम्मा जी क्या हो गया यार, बात तो सुन लो मेरी बात तो सुन लो पहले मम्मा, मैं देखो कितना क्यूट लग रहा हूँ, मेरी बात तो सुनो मम्मा, सुनो ना, तू तो जुमांद्रू क्यूट है, मम्मा जाने दो यार, आपकी मेहरबानी, मेरे दोस्त वेट कर रहे हैं, हर चीज रेडी है, बस आपने एक परमिशन लेकर निकल जाना है, तुम्हें थप्पड़ मारना मुंह पे, फिर तुम्हारी एनिवर्सरी निकल जाएगा, अच्छा केक बड़ा मजा, मैं बाहर हूँ, कोई 0% पॉसिबिलिटी नहीं, नहीं जाने देना बेटा, नहीं नहीं जाना, नहीं मम्मा को वजह भी तो होगी, चुप कर बैठ, चुप कर, बच्चे नहीं जाते, मैंने सुना है लैंडस्लाइडिंग हो रही है, आपने कहाँ सुना, अच्छा केड़ी गलत न्यूज़ है,
आपकी मेहरबानी यार प्लीज यार मतलब नहीं चांस नहीं पक्की बात है फिर पूछ रहा हूँ कोई चांस नहीं है No. पक्की बात है अच्छा चलो ठीक है ओके 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 क्या कर सकते हैं अच्छा जी अब आप लोगों ने देख लिया मैंने फिर कोशिश की कि एक बार इजाज़त मिल जाए लेकिन नहीं मिली अब वापसी पे अपने अंजाम का जिम्मेदार मैं खुद हूँ मैं आप लोगों को ब्लेम नहीं करता ना करना बनता है मैं अपने अंजाम का जिम्मेदार खुद हूँ मांडोगर को जहांगीर तो खैर है नहीं है शायजी को हैदर को अम्मा ने कुछ नहीं कहना मेरे साथ जो भी होगा देखा जाएगा पाँच मिनट में मेरे दोस्त आ रहे हैं तब तक मैं निकल रहा हूँ बाहर ठीक है इसमें थोड़ा सा सामान है इसमें काफ़ी ज़्यादा सामान है ठीक है गाड़ी में बैठ के आपको गाड़ी में बैठ के बताएं कहाँ निकल रहे हैं जब डिसाइड हो जाएगा ठीक है शहजी घर आ लें गाड़ी लेके आ रहा है अपना डोज में पिक कर लिया फिर आपको मिलता है मेरा दोस्त आ गया मेरा दोस्त छोर ना पागल आदमी अंदर जाना नहीं मम्मा नमाज पढ़ रही हैं मम्मा को कुछ नहीं पता मैंने इजाज़त मांगी लेकिन नहीं मिली हमें निकलना पड़ेगा ले भाई जब ए मंदिर ले जाए क्या हुआ तेरे बड़े भी आएंगे बेटा अच्छा जी ये पराठा मंगवाया मैंने ठीक है इस पे हम अपना टूर करेंगे तू फुल मंड के लाया ना क्योंकि तेरी मांग की कसम मंड के लाया ना उसके टायरों में से कैसी बड़ा जालिम आदमी किसी की गड्डी मंगी आई और मां भैन करके ले आया अच्छा जी निकलते चल भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाफिज वही मम्मा ना दसी ठीक है जो मैंने फोन आएगा मैं दस जाएगा गालां गुला खा लांगा ठीक है ध्यान रखी ठीक है अल्लाह हाफिज़ ओके बंद कर दे बंद कर दे बंद कर दे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद अच्छा जी घर से निकल चुके हैं हैदर को पिक करते हैं उसके बाद मां को पिक करेंगे और फिर चढ़ जाएंगे मोटर पे जैसे ही मोटर पे चढ़ जाएंगे फिर सब डिसाइड करके आपको बताएंगे कि जा कहां रहे हैं अभी फिलहाल कुछ नहीं पता आ जा भाई आ जा बहुत लेट हो गए हैं बढ़िया गेम मैं क्या सोखा जावांगे कोई तंग होकर नहीं जाएगा ये क्या जान सदका आए शदादा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खैर ओ शैदी ने उठा लेने अंडे ना दो इसको भाई सामान का सेट कर तू सही करता यार ओके जी हैदर को भी पिक कर लिया अब रह गया सिर्फ मांडो कर हैदर का काम चेक करो सेटिंग कर रहा है मेरे दोस्त क्या हाल है चलिए रेडी यार काम बड़े सन जल्दी कर आया ओके जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो हम निकल चुके हैं सबसे पहले हमें नजर आता है ये खाली टैंकी जाहिर बात है इन्होंने गाड़ी दी है टैंकी तो नहीं फुल करवा के देनी थी ना टैंकी फुल करवाते हैं उसके बाद मिलते हैं आपको हाँ जी भाई रेडी टैंकी फुल करवा लेते हैं ये तो टैंकी मेरा ख्याल है को 30,000 की फुल होनी है कहाँ जाना फिर को प्लान किया डिसाइड देखते हैं अभी आगे तो चलो और कहाँ जाना आगे यार मेरे तक जाओ कुछ खाते पीते हैं फिर उसके बाद तेरा शुरू भी खाना तो शुरू से खाने से खत्म ड्रामेबाजी कर रहे हैं मान किसे जाना ऑर्डर ला यार कुछ तो डिसाइड करो यार कहाँ जाना सुकून वाला ट्रिप तो करना है हाँ सुकून वाला ट्रिप तो करना है लेकिन जगह डिसाइड करो कहाँ जाना चलते हैं बैठ फिर उसके बाद ये क्या किया यार ये समझ नहीं आ रहा पंचर लगा दिया तुम लोग एक बात बताऊं तुम लोगों को नहीं पता होना आज अम्मा और बाबा की वेडिंग एनिवर्सरी है आज अम्मा और बाबा की वेडिंग एनिवर्सरी है तू कैसे बताता तू अंदर जाता तो ज्यादा नहीं मिलनी उनको पता लग जाना था कि निकलने लगे वाह वाह तनु जिस तरह पता नहीं बड़ी बड़ी तू फिल्म है वापसी सिर्फ मान मेरे साथ जाएगा पक्की गल मेरा नहीं कहना मैं सरदार रहमान ने डोकर साहब हाजिर हूँ अच्छा मेरी बात सुनो मैं केक कट करके आया केक कट करके आया हूँ विश करके आया उनको वापस जाके प्रॉपर इंतजाम करेंगे ठीक है ना हाँ ओ बस कर की हो गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उठ के बह की सौन आया तू है उठ के बह ट्रिप एंजॉय करना है सौन आया बोलदा नहीं यार बट तू पागल है यार की करना उठ के बह एंजॉय करा सानू हसा दरा मनु हसा अच्छा ठीक है अच्छा तुझे पता लगा कैमरा ऑन हो गया तूने साथ ही हाथ रख लिया यार मेरी गल सुनो एड्डी बड़ी जेडी गड्डी कराई जे बैठा वे एदल वे स्ट्रीक बॉय तेरी शक्ल है स्ट्रीक बनाने वाली शादी साहब गड्डी चला लो और स्ट्रीक कितनी बना रहे शादी साहब गड्डी चला लो छोड़ के मुझे ये देखो नुक्कड़ में बैठाया हुआ है इतनी बड़ी गाड़ी खाली छोड़ी भी है स्ट्रीक बना रहे हैं चेक करो काम की अगे ओए
अगे हो गया। चलो भेरा पहुंच गए, अब हम डिसाइड करेंगे हमने जाना कहां पर। ओके जी, तो हम पहुंच चुके हैं। भेरा कैसा लग रहा है तुमको मौसम यहां पे? भाई ठंड ठंड सी फील हो रही है, ठंडा ठंडा सा फील हो रहा है। और हमने टी शर्ट पहनी हुई है। वी हैव जस्ट ओनली वन गाय जिसने पूरा ट्रैक सूट पहन के नीचे चप्पल पहनी हुई है। हम सब ने टी शर्ट पहनी हुई है। अच्छा आप सर जोड़ लो, मैं तुम लोगों को तीन से चार ऑप्शन बता देता हूँ जहाँ हम स्टे कर सकते हैं, जहाँ हम रह सकते हैं। पहली ऑप्शन, ठीक है, दूसरी ऑप्शन, तीसरी ऑप्शन, ठीक है। अब बताओ कहाँ जाना है। हाँ बताओ ऑर्डर भाई। मैं कहता हूँ इस्लामाबाद पहुँचते हैं। इस्लामाबाद का टूर का हम जब जो है ना पार करेंगे, वैसे ही गाड़ी साइड पे हम जो करेंगे फिर बैठ के आराम से। की रंगबाजियां कर रहे हैं यार, कहूँ टोरिया आए हले भी डिसाइड नहीं कर रहे कहाँ जाना है। भाई अभी हम लोग बैठ के जरा हैं जहाँ आते नहीं कर लो यार फाइनल। इतनी प्यारी प्यारी जगह तुम्हें बताइए। सुसु आया पहले, जल्दी आओ सुसु आ गया, जल्दी आओ। हरियप हरियप। ये है जी आपके भाई का फुल लुक, ससुराल से मिला हुआ ट्राउजर पहना है, टी शर्ट अपनी है और कैप जो है वो पीआर में आई थी। अभी सारे ग्रुप में से भूख सिर्फ शैजी को लगी हुई है, लेकिन जब जाएंगे रेस्टोरेंट तो खाना सारी खा लेंगे। चोरी। अच्छा ओके, पैसे देते हैं ठीक है। मजा आए। शाबाश। चलो जी क्लर्क हार हम पहुंच गए हैं, व्हाट्सएप जो सो रहे हैं यहाँ से ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो अभी हम इस्लामाबाद पहुंचते हैं, तो वहाँ पे जाके देख पूछते हैं व्हाट्सएप से हम जा कहाँ पे हैं। चलो जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच गए हैं इस्लामाबाद। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी इस्लामाबाद पहुंच गए। मेरी तो आंख लग गई थी, बड़ी जालम किस्म की आंख लगी, यकीन करो। दसो यार कहाँ जाना है। हरियाणा। कश्मीर। ओ कश्मीर छोड़ो यार, सुबह चलने भाई सब छोड़ो, मौसम भी प्यारा, रास्ता भी जैसा है, स्कर्दू चलते हैं आराम से। हाँ जी चलने, स्कर्दू क्यों चलें, स्कर्दू क्यों चलें, मौसम भी प्यारा है। और नहीं भाई यार रास्ता साफ है और मौसम प्यारा है। विशाल से। हाँ इतना लंबा भाई यार, कन्फर्म करो ना फिर जल्दी करो। स्कर्दू नारायण क्या कह रहा है, सवाद कह रहा है। हाँ कश्मीर कन्फर्म करो जल्दी करो, कहाँ जाना है। हरी अब हाँ जगह चाहिए। क्या बोला तूने, एक पहले क्या बोला, चल तीना जगह चल लिया, डिसाइड करो ना यार। स्कर्दू जाना है। चलो लास्ट टाइम बहुत लंबा टूर है यार, रात के भाई जान ढाई बज रहे हैं, ढाई बज रहे हैं, अपने तमाशे देख लो यार। यार डन करो, क्या करो, ढाई बज रहे हैं यार रात के भाई। स्वाद डालना, स्वाद डालना, मान जाओ पागल हो गए सारे। यार मेरी बात सुने, मैं व्लॉग कर रहा हूँ यहाँ पर एंड, सुबह हम जिस जगह पहुंच जाएंगे आपको नजर आ जाएगा। मैं लगा हूँ सोने, ये लोग पागल हो गए, डन नहीं हो रहा इनसे, कहाँ जाना है। लाहौर से निकला हूँ तब से पिट रहा हूँ, बताओ कहाँ जाना, कहाँ जाना, कहाँ जाना, कहाँ जाना। अब एक कह रहा स्कर्दू, एक कह रहा सवात, और एक कह रहा पता नहीं क्या, सवात के स्कर्दू जो भी कह रहा मुझे नहीं पता। सुबह जहाँ पहुंच जाएंगे आपको दिखा देंगे। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और बच्चों को मैं एक बात बता दूं कि रज्जब भाई ने गलत किया है, माँ बाप को बताए बगैर नहीं आते, आप लोगों ने ये चीज कॉपी नहीं करनी रज्जब भाई की, ठीक है। बच्चों ने जब भी कहीं जाना है माँ बाप को बता के जाना है, बच्चा तो नहीं रहा लेकिन फिर भी मैं अपनी माँ और बाप से पूछ के ही आता हूँ, ये मैंने बहुत गलत किया है, क्योंकि अम्मा इस बार पूरा डट लगा के बैठ गई थी कि नहीं जाना। अभी मैं उनको फोन करूंगा थोड़ी देर तक, तो उनका फोन आ ही जाएगा, मेरा फोन फ्लाइट मोड पर लगा हुआ है, गालियां पड़ेंगी, वापस जाऊंगा, पता नहीं मेरा क्या हाल होगा। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा और कैसा नहीं लगा। और रज्जब भाई की ये वाली आदत कॉपी आप लोगों ने नहीं करनी, माँ बाप को बताए बगैर कहीं नहीं जाना। सुबह हम जहाँ भी पहुंचेंगे आपको वहीं से ब्लॉग स्टार्ट करेंगे और आपको दिखा देंगे कि हम यहाँ पहुंचे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, वीडियो को लाइक कमेंट और आगे शेयर लाजमी करना है। होती मुलाकात कल इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज। चलो ये अल्लाह हाफिज कर दो, अल्लाह हाफिज। बस करो बैठो चलो।